हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मटर निमोना बनाएंगे, कैसे बनता है देखेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है मेरे मटर निमोना में, आपको दिख रहा होगा कलर कितना अच्छा है। देखिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कटोरी मटर लिया है, अब इसको पीस लेंगे। थोड़ा मैंने रख लिया है, अब इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने पीस लिया है, अब इसको निकाल लेंगे। ये हमने एक बाउल में निकाल लिया है। एक बड़ा आलू लिया है, इसको हमने छील लिया है और इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। देखो हमने कट कर लिया है। इसमें हमने मटर पीसा था, उसी में हम दो टमाटर काट के डालेंगे। तीन चार हरी मिर्च लिया है, इसको काट के डाल लेंगे। एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी काट के डाल लेंगे। और अब इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लिया है। अब एक पैन रख लिया है, उसमें ऑयल डालते हैं। सरसों के तेल में अच्छा निमोना बनता है। अब जो आलू हमने कट किया था उसमें डाल लेंगे। थोड़ा आलू फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। इसको चलाते हैं, हमारा हल्का ब्राउन हो गया है आलू। ऐसे रोस्ट कर लेंगे उसको, टोस्ट मिक्स करते हुए उसको पकाएंगे। हमारा आलू पक गया है, ब्राउन हो गया है हल्का। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी पैन में हम जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको भूनेंगे, गैस को धीमी रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। एक चुटकी हींग डालेंगे। अब जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था, पेस्ट नहीं बनाना, हल्का दरदरा करना है उसको। इसको भूनेंगे। अब ढक के हमारा मटर भुन गया। उसको हाथ से पकड़ के देखेंगे कि हमारा मटर भुना कि नहीं। मटर तैयार है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। जो आलू भुना था हमने, अब आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे। गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर,
नमक स्वाद अनुसार, को मिक्स करेंगे। हमारा एक उबाल आ गया है, अब हम इसमें जो टमाटर प्यूरी बनाए थे वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। ढक के पकाएंगे। अब देखो हमारा निमोना तैयार है पक के, कितना अच्छा कलर आया है टमाटर प्यूरी डालने से। अब इसको सर्व करेंगे। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइज़।